कर सकते हैं। ये मालपुआ है जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। और ये भैया किस चीज़ का हलवाई है? अच्छा, तो शुद्ध देसी घी में बनता है यहाँ पर। भैया क्या बनाते हो आप? अच्छा, मतलब चाइनीज पूरा आप देखते हो। तो ये देखो छोले भटूरे यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। हमारे सबसे स्पेशल जो पूरे मेले में मिलती नहीं मिलती राजस्थानी थाली है। भैया थाली लग रही है यहाँ पर, तो आप बताइए थोड़े मतलब कितने रुपए की रहती है थाली? तो दोस्तों देख सकते हैं कोटा दशहरा के अंदर जो फूड मार्केट में जो पाठक वालों की शॉप भी लगी हुई जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और आपको मैं अंदर की तरफ ले चलता हूँ और अंदर क्या क्या मिलता है आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर पूरा मेन्यू ऊपर की तरफ भी लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों चलिए शॉप के अंदर चलते हैं और अभी आपको मैं पूरा जो है वो यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल हो जाएगा सब दिखाएगा। तो मैं ओनर से भी बात करता हूँ और आगे की तरफ चलते हैं। देखो काउंटर है, यहाँ से आपको पहले लेना पड़ेगा, उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अंदर की तरफ आ चुका हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मालपुआ है जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। और ये भैया किस चीज़ का हलवाई है? अच्छा, तो शुद्ध देसी घी में बनता है ये। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक एक चीज़ पाठक। ये गुलाब जामुन है यहाँ पर, ये मीठा वाला जो है वो स्वीट्स वाला यहाँ पर सेक्शन। तो दोस्तों देख सकते हैं कोटा दशहरा मेला जो फूड मार्केट में जो है वो काफ़ी फेमस शॉप लगी हुई पाठक वालों की जो कि कोटा के अंदर काफ़ी फेमस है। चलिए आपको बात करते हैं इनके ओनर से। सर आपका नाम बता दीजिए सबसे पहले। अरुण पाठक। उधर देखिए सर, अरुण पाठक जी। तो आप बताइए कोटा दशहरा के अंदर जो कितने सालों से लगभग आपकी? हम पिछले पाँच साल से। अच्छा, पाँच सालों से लगा रहे हो आप। तो आपकी बताइए शॉप पर जो है सबसे स्पेशल चीज़ क्या मिलती है और क्या क्या आपके मतलब यहाँ पर मिलता है? हमारे सबसे स्पेशल जो पूरे मेले में मिलती नहीं मिलती राजस्थानी थाली है, जिसमें कद बाफले दाल गट्टे की सब्जी पुलाव लहसुन चटनी काफ़ी फेमस है। अच्छा, तो सर उसकी जो थाली है वो उसकी क्या प्राइस रहती है? 260 रुपये। 260 रुपये प्योर मतलब उसमें बनती है? प्योर देसी घी। अच्छा अच्छा, दोस्तों देख सकते हैं मतलब अगर पाठक वाले के आप आएंगे तो सभी आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन सबसे स्पेशल इन्होंने बताया जो है वो थाली है, तो क्या आप जरूर टेस्ट कीजिएगा। और मतलब इतना पाठक वालों का नाम चलता है कोटा के अंदर। तो सर जो है वो आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ पर और इसके अलावा क्या क्या मतलब? हमारी स्पेशल थाली है पाठक स्पेशल थाली जी, जो नॉर्थ इंडियन जो होती है जी जी, जिसमें पनीर की सब्जी दाल छोले की सब्जी पुलाव तंदूरी रोटी एक मिठाई का पीस ये अवेलेबल होता है। क्या तो आपकी जो ये शॉप लगी हुई है आप कोटा के अंदर बताइए पब्लिक को कहाँ पर जो जानती हो तो? कोटा में हमारा प्रतिष्ठान CAD सर्किल पे है जी जी, और हमारा पाठक केटर्स के नाम से केटरिंग का काम काफी पुराना है। अच्छा, तो वो शॉप ओपन होने का टाइमिंग भी आप थोड़ा बता दीजिए, मतलब वहाँ पर जो शॉप खुलती है सुबह 9 बजे से रात को 11 बजे तक। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कोटा दशहरा के अंदर जो है वो आज तो अभी 2 ही दिन हुए, आने वाले समय में आप बताइए लगभग कितनी पब्लिक यहाँ पर आ जाती है? सैटरडे से चालू हो जाएगा मेला। अच्छा, उस टाइम पे पब्लिक यहाँ पर अभी देख सकते हैं यहाँ पर सीटिंग फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है, 300 लोगों की बैठने की सीटिंग है जी जी बिल्कुल। पूरे मेले में आपको इतनी बड़ी जगह कहीं नहीं मिलेगी। तो देख सकते हैं क्वालिटी वाइज आपको चीज यहाँ पर मिलेगी, तो अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा एक एक करके। जो चीज मिलेगी बिल्कुल लाइव मिलेगी आपको, बिल्कुल मतलब सब कुछ आप ताजा देते हो? ताजा बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों अब दिखाता हूँ आपको शॉप है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। और आगे की तरफ चलेंगे तो देखो और ये जो गोभी की पकौड़ी जो कोटा दशहरा मेला की शान है ये यहाँ पर। भैया ये कौन से तेल में बनती है? अच्छा, तो ये कौन से तेल में बनती है? ये सर अपने सोयाबीन की तेल। अच्छा अच्छा अच्छा, तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है इन चीज़ों का। सबसे मेन जो है साफ सफाई है। और केसर जलेबी भैया ये जी जी बिल्कुल। तो चलिए देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये एक एक चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं पूरी। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, सीटिंग फैसिलिटी आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। लगभग 300 लोगों का उन्होंने बताया, 300 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। और लाइटिंग वाइटिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, डेकोरेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारा चलता है। और आगे की तरफ भी देखते हैं, देखो अब आगे की तरफ। भैया क्या क्या मिलता है आपने यहाँ पर थोड़ा बताओ? चाट है। अच्छा, आलू टिक्किया मिलती है मतलब? जी जी। अच्छा, तो क्या प्राइस रहती है भैया इसकी? 60 रुपये। तो दोस्तों देख सकते हैं दही भल्ले भी अपने पास है ना, दही बड़े जी जी बिल्कुल। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये पाठक केटर्स की, अभी मैं आपको सारी दिखाता हूँ। और ये पनीर टिक्का पहले चिली पनीर और सब आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखो, और देखो ये जो बनाने वाली टीम है पूरी, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ से
सब अलग अलग जो एक्सपर्ट हैं वो अलग अलग जगह पर। ये भैया यहाँ पर भैया क्या बनाते हो आप? अच्छा मतलब चाइनीज पूरा आप देखते हो, तो देख सकते हैं यहाँ पर चिली पनीर, चाउमीन, मंचूरियन और सारी चीज़ें यहाँ पर बनाते हैं भैया। और चलते हैं आगे की तरफ भी, देखो ऐसे ही काउंटर लगे हुए हैं अलग अलग, और यहाँ पर ये पाव भाजी बन रही है, देखो ये पाव भाजी बना रहे भैया। और इसका देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये भाजी है और ये पूरी टीम है पाव भाजी बनाने वाली। और इधर की तरफ क्या बनता है? मोमोज। अच्छा तो एक बार देखा, ये पनीर वाले हैं मतलब कौन से वाले फिलिंग है? अच्छा वेज। तो दोस्तों देख सकते हैं आगे की तरफ भी, देखो चलेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। तो भैया यहाँ पर क्या साउथ इंडियन बन रहा है? अच्छा तो ये देख सकते हैं पूरा रवा डोसा और ये सब भी मिल रहे हैं यहाँ पर आगे। ये सांभर और ये भैया डोसा बना रहे, देखो तो दोस्तों देखिए आगे की तरफ चलते हैं तो पूरा तो भाई क्या बन रहा भैया यहाँ पर? छोले भटूरे बन रहे हैं। अच्छा तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो छोले भटूरे बना रहे हैं भैया यहाँ पर। और इधर की तरफ भी थोड़ा आगे चलूँगा तो मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर ये भैया थाली लग रही है यहाँ पर। तो आप बताइए थोड़े मतलब कितने रुपए की रहती है थाली? 120 रुपए की, 180 रुपए की, 200 रुपए की, 260 रुपए की। पाठक की जो स्पेशल थाली है कौन सी है? राजस्थानी थाली है। अच्छा वो दाल वाली, वो दाल चूरमा है ना, दाल बाफले वाली। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर तो ये देखो छोले भटूरे यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और देखो सारा ही पूरा मैंने आपको बताया पंजाबी, साउथ इंडियन और सारे यहाँ पर ही है, देखो पूरा बना हुआ। और बैठने की जो है काफ़ी शानदार फैसिलिटीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, देखो। तो चलिए चलते हैं अब। बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त।